वहीं उपचुनाव में प्रचार प्रसार का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस और जोगी कांग्रेस और भाजपा के नेता गांव गांव पहुंचकर अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने और आदिवासियों के बीच भाजपा की पूछ परख बढ़ाने के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और पूर्व गृह मंत्री राम सेवक पैकरा दूरस्थ ग्राम पूटा पहुंचे। वहां आयोजित कंवर आदिवासी समाज के सम्मेलन में शामिल हुए। यहां भाजपा के सभी संभावित प्रत्याशी समीरा पैकरा, डॉक्टर गंभीर सिंह, अर्चना शंकर पोर्ते और रामदयाल उइके भी मौजूद थे। सभा को संबोधित करते हुए विष्णुदेव साय ने जिला गोरला पिंडरा मरवाही के अधिकारियों कर्मचारियों को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि जिले के अधिकारी कर्मचारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि 3 साल तक ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 2023 में भाजपा की सरकार फिर से आएगी, हम भूलेंगे नहीं। हमने इन सबका नाम नोट करके रखा हुआ है। मैं अधिकारियों कर्मचारियों को चेतावनी देता हूं कि निष्पक्ष होकर अपना काम करें। आप निष्पक्ष होकर काम करिए। आप जनता का पैसा से आते हो, वेतन मिलता है, कोई कांग्रेस के पैसा से वेतन नहीं मिलता। और अगर आप कांग्रेस के कार्यकर्ता जैसे काम करोगे तो निश्चित रूप से 3 साल के बाद आपको पछताना पड़ेगा। ये आप लोग गांठ बांध के सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ को रेत